के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जिला न्यायपालिका का 6 सत्रों वाला 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज शनिवार से शुरू हुआ है। इसके उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने टिकट और सिक्कों का अनावरण किया। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल भी इस समारोह का हिस्सा बने। आपको बता दें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को और बढ़ाते हैं। आजादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का ही सपना है विकसित भारत, नया भारत। उन्होंने कहा कि नया भारत यानी सोच और संकल्प से एक आधुनिक भारत, हमारी न्यायपालिका इस विजन का एक मजबूत स्तंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि न्याय में देरी को समाप्त करने के लिए बीते एक दशक में कई स्तर पर काम हुए हैं। पिछले 10 वर्ष में देश ने न्यायिक संरचना के विकास के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पिछले 25 साल में जितनी राशि न्यायिक संरचना पर खर्च की गई है उसका 75% पिछले 10 वर्ष में ही हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के रूप में हमें नया भारतीय न्याय विधान मिला है। इन कानूनों की भावना है नागरिक पहले, गरिमा पहले और न्याय पहले। हमारे आपराधिक कानून शासक और गुलामी वाली औपनिवेशिक सोच से आजाद हुए हैं।